एवरीवन, मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ऑडियो टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। इसके साथ ही साथ इसमें आप लोगों को कॉल टेस्ट भी करके दिखाने वाला हूँ। आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मार्केट में ये जो डीफी ग्रेविटी टर्बो आया है कि इसका ऑडियो कैसा है, इसकी कॉलिंग क्वालिटी कैसी है। इसके अंदर आप लोगों को काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि इस वीडियो में हम आगे चल के बात करने वाले हैं, और आप लोगों को इसका ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो सारी चीज़ों की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसको मैं लगातार पूरे एक दिन यूज़ करा है, आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल अच्छे से यूज़ करा है, और आप लोगों को इस वीडियो में सारी चीज़ें इस एयरबड्स के बारे में पता लग जाएगी। सो वीडियो को चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं इसको आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसे डिजाइन में आता है, आप लोग देख सकते हो इसको जब आप ओपन करते हो। ये इसकी कुछ हाइलाइट्स है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसका कुछ ऐसा डिजाइन होता है। बाकी मैं आप लोगों को इसमें सारी चीजें रख के दिखाता हूँ। ये दोनों एयरबड्स लगाकर आप लोगों को अब ऑन करके दिखाता हूँ इसका, क्योंकि मैं ये चीज आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये एक अच्छी लाइटिंग के साथ आता है। ये एक गेमिंग एयरबड्स है जो कि मार्केट में काफी ज्यादा तहलका मचाने वाले हैं, क्योंकि ये लॉन्च हो चुका है और ये अभी ही आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। सीरियसली, आप फ्लिपकार्ट पे जाके चेक करेंगे तो आप लोगों को आउट ऑफ स्टॉक मिलेगा। तो चलते हैं, मैं आप लोगों को सबसे पहले इसका डिजाइन दिखाता हूँ। ये देखिए कितने यूनिक डिजाइन के साथ आता है, और इसका जो सबसे बड़ा हाईलाइट है वो है इसका डिजाइन और इसकी जो लाइटिंग है। जब आप इसे यूज करते हैं तो आप लोगों को अलग सा इंडिकेशन, जहाँ पे रेड रेड ये इसके एयरबड्स के नोटिफिकेशन है कि उसकी बैटरी लो है, तो ऐसा कुछ डिजाइन है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो हमारे पास डीफी के ग्रेविटी टर्बो ईयरबड्स आते हैं ये किस फीचर्स के साथ आते हैं, आप लोगों को मैं जल्दी से बता देता हूँ। इसके अंदर आप लोगों को जो ब्लूटूथ का वर्जन देखने को मिलता है वो ब्लूटूथ 5.1 का वर्जन देखने को मिलता है, और इसके अंदर जो आप लोगों को आईपी रेटिंग देखने को मिलती है वो आप लोगों को आईपी रेटिंग 4 देखने को मिलती है। इसको आप, इसका मतलब है कि इसके अंदर आप लोगों को थोड़ा बहुत पानी वगैरह भी जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे जैसे कि स्वेट प्रूफ होता है वैसा ही है, ज़्यादा इसमें आप पानी वगैरह में डालेंगे तो ये खराब भी हो सकता है। इसके साथ ही इसमें आप लोगों को 4 माइक का सपोर्ट देखने को मिलता है, मतलब कि आवाज़ के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं मिलने वाली। इसके अंदर आप लोगों को 4 माइक सेटअप के साथ ही साथ इसके अंदर आप लोगों को ENC का सपोर्ट, यानी कि इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप लोग जब अगर आप फ़ोन पर बात करेंगे तो आपके पीछे जो शोर आ रहा होगा वो बिल्कुल भी नहीं आएगा और आप अच्छे से इस चीज़ का यूज़ कर पाएंगे। इसके साथ ही इसमें आप लोगों को टच कंट्रोल्स भी देखने को मिलते हैं। अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि इसके टच कंट्रोल्स कैसे काम करते हैं। और बैटरी बैकअप की बात करें तो अगर आप इससे एक बार फुल चार्ज करते हैं तो 7 से 8 घंटे आराम से चला पाएंगे, उसके बीच आप लोगों को कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। आप इसे दोबारा भी चार्ज कर सकते हैं लगभग इस केस के साथ, अगर आप इस केस को फुल चार्ज करके रखते हैं तो आप लोगों को टोटल 30 आवर्स का बैकअप देखने को इसके साथ मिलेगा। और जो इसके अंदर आप लोगों को एक और फीचर देखने को मिलता है जो कि आजकल सारे ईयरबड्स वगैरह में आता है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा फीचर नहीं है, वो है इंस्टेंट पेयरिंग और इंस्टेंट कनेक्शन। मतलब इसके अंदर आप लोग इंस्टेंट पेयरिंग कर पाओगे। अगर एक बार आप अपने फोन से कनेक्ट कर देते हो तो जैसे ही आप इसे ऑन करके इस बॉक्स से बाहर निकालोगे ये तुरंत ही इंस्टेंट पेयर हो जाएगा, तो इसमें पेयरिंग के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और इसके साथ ही साथ जो इसका सबसे ज्यादा मेन हाईलाइट है कि ये गेमिंग ईयरबड्स हैं, तो इसके अंदर आप लोगों को लोड लेटेंसी मोड देखने को मिलता है। आप लोग जब गेमिंग करेंगे तो एक अलग सा ही मोड इसके अंदर ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को कोई भी आवाज़ में डिले देखने को नहीं मिलेगा। जब भी आप गेमिंग वगैरह, पबजी वगैरह या आप कोई भी गेम वगैरह खेलते हैं तो फ्री फायर वगैरह, उसके अंदर आप जैसे ही गन शूट करते हैं तो आवाज़, मतलब कोई भी चीज़ अगर गेम में एक्शन वगैरह करते हैं कोई भी चीज़, तो उसका जो आप लोगों को रिएक्शन साउंड होता है वो एकदम इंस्टेंट देखने को मिलेगा, कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। ये सब थी इसके फीचर्स की बातें। अब चलते हैं, हम इसका कॉल टेस्ट करते हैं, और सबसे पहले इसका गाना चला के हम इसका बेस टेस्ट वगैरह सारी चीजें इसमें हम टेस्ट करते हैं, आप लोगों को इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं जल्दी से। वैसे तो मैं इसके साथ सारी चीजें कर चुका हूँ पहले, क्योंकि मैं इसे पूरा सुबह से यूज कर रहा हूँ और शाम को इसका, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे इस एयरबड्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि मैं एक अच्छा सा ओवरव्यू आप लोगों के लिए बना सकूँ। तो चलते हैं जल्दी से इसका कॉल रिव्यू वगैरह और साउंड टेस्ट वगैरह करते हैं। इसका साउंड आता है और बेस क्वालिटी वगैरह कैसी है, या सिर्फ ये गेमिंग के ही नाम से ही मार्केट में हाइप बना रखी है, काम करता है कि नहीं करता वैसा। तो इसको सबसे पहले हम ऑन करते हैं, आप लोग देखिए, ये देखिए लाइट आ गई इसकी अच्छी खासी और ये ऑन हो गए हैं। अब इसको लगाते हैं, इसकी लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लाइट इसके साथ देखने को मिलने वाली है। आप लोगों को साउंड भी अभी टेस्ट करके बताते हैं कि इसका साउंड कैसा है। तो फाइनली इसके अंदर आप लोगों को जैसे कि पता है इंस्टेंट पेयरिंग का वो देखने को मिलता है, एक फीचर देखने को मिलता है जिसके अंदर आप इसे इंस्टेंटली पेयर कर पाओगे सिर्फ इसको इससे निकालने पर ही। तो आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हो ये पेयर हो चुका है इधर,
देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा कनेक्टेड सेकंड नंबर पे, इधर देखिए तो इंस्टेंटली पेयर हो चुका है। और अब आप लोगों को मैं चलता हूँ, गाने चला के दिखाता हूँ कि कैसा सा इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस रहता है और इसका साउंड कैसा है। सबसे पहले चलेंगे हम, गाने सुनते हैं थोड़े बहुत और आप लोगों को फिर बताते हैं। अभी आवाज़ कम है, अभी आवाज़ कम है, आप लोग देखिए। अब आवाज इसकी तेज करते हैं। फाइनली इसका मैंने साउंड टेस्ट कर लिया और आप लोग यकीन नहीं मानोगे, इसका जो साउंड है उसमें बिल्कुल भी सेचुरेशन देखने को नहीं मिलती। यहाँ तक कि मैंने वन प्लस का जेड बुलेट्स यूज़ करता था इससे पहले, और उसके अंदर जो आवाज़ सेचुरेशन थोड़ी सी होती ही थी, बट इसके अंदर आप मानोगे नहीं, इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। और आप लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप गाना एयरबड से सुन रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपके पास में ही गाना चल रहा है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी इस ब्रांड की तरफ से, कि आवाज़ काफ़ी ज़्यादा क्लियर है और बेस भी काफ़ी ज़्यादा खुल के आ रहा है। बाकी सारे एयरबड्स में क्या होता है कि उसके जो बेस होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। अगर आपको बेस वाला एयरबड्स ही होता है तो उसके लिए आपको बेस एडिशन खरीदना पड़ता है किसी और के भी एयरबड्स का, जिसमें बेस काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो। इसके अंदर बेस तो हाईलाइट नहीं करा गया, गेमिंग करा गया, बट इसकी जो साउंड क्वालिटी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। जो एक नॉर्मल वॉल्यूम रहती है उस पर, तब थोड़ा मुझे लगता है कि हाँ थोड़ी सी कम आवाज़ है, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा रहना चाहिए था। अगर कम आवाज़ को आप बढ़ाते हैं तो आप लोगों को काफ़ी सही एक्सपीरियंस मिलेगा और आवाज़ काफ़ी ज़्यादा गजब की आवाज़ है। मेरे हिसाब से अगर कोई छोटा ब्रांड ऐसा काम करता है तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए और उसके प्रोडक्ट को लेना चाहिए और यूज़ करना चाहिए। आप सीरियसली मानेंगे नहीं, कम्फर्ट के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, आप लोग देख सकते हैं। और मैंने इस पर कॉलिंग की बात करें तो, जैसे कि मैंने इस पर कॉल पर भी बात करी, हालांकि अभी वो करके नहीं दिखाने वाला, मैं कॉलिंग पर भी बात करी है। इसमें फोर माइक का सेटअप देखने को मिलता है तो ENC भी काफ़ी सही काम करता है, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा काम करता है, बट ठीक काम करता है। अगर आप ENC इससे पहले नहीं यूज़ करते थे, जिसमें ENC अनेबल नहीं था, तो आप लोगों को फ़र्क बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा बड़ा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्लियर आवाज़ दूसरे तक पहुँचेगी। तो मेरे हिसाब से इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। बैटरी के मामले में थोड़ा सा इसमें मैं कहूँगा, क्योंकि चार्ज होने में लगभग ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, इसके अंदर फास्ट चार्जिंग भी नहीं है, तो इस वजह से मुझे इसका एक ये माइनस पॉइंट लगता है। और डिज़ाइन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी थोड़ी सी प्लास्टिक की, अगर कहीं भारी जगह से, मतलब कहीं ऊपर वाली जगह से, ऊंचाई से अगर आप गिराते हैं तो ये टूट भी सकती है, क्योंकि ये पूरी प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी है और एक बार प्लास्टिक टूटा तो पूरा खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसकी बिल्ड क्वालिटी पे कम ध्यान देकर इसकी साउंड क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, इसी वजह से इसका साउंड इतना ज़्यादा इंप्रेसिव और क्लियर है। सो मेरे हिसाब से अगर इसे हम 5 में से मार्क्स देना चाहेंगे तो आप मेरे हिसाब से इसे 4 मार्क्स दे सकते हैं। और डिज़ाइन के मामले में मैं कोई भी मार्क्स नहीं काट रहा, सिर्फ बैटरी के मामले में और बिल्ड क्वालिटी के मामले में मैं इसका। वैसे मेरे ख्याल से इसको लाइट वेट बनाने के लिए, आप आराम से अपने पॉकेट वगैरह में कैरी करने के लिए, आपको बिल्कुल भी ज़्यादा वेट फील ना हो, इसलिए हो सकता है इसको प्लास्टिक बिल्ड दी गई हो। बट क्या कर सकते हैं, अगर आप थोड़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी होती तो गिरने विरने से, क्योंकि ऐसी चीज़ें गिरती तो है, अगर आप टेबल वगैरह पे रख रहे हो तो गिर भी सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं है सिवाय बिल्ड क्वालिटी और बैटरी के मामले के अलावा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोगों को इसका आफ्टर 10 डेज रिव्यू देखना है कि इसमें और क्या क्या दिक्कत देखने को मिलती है, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आफ्टर 10 डेज का रिव्यू बनाऊंगा। उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि मैं इसका वाटर ड्रॉप टेस्ट करूँ तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं बिल्कुल इसके लिए आपको वाटर ड्रॉप टेस्ट भी करके दिखाऊंगा। बाकी और भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है इस ईयरबड्स के बारे में, या किसी भी प्रोडक्ट की आप अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए।